नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के नए प्रकार के संक्रमण को लेकर मचे हड़कंप के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। देश में 6 महीने बाद कोविड-19 से हुई रोजाना मौतों की संख्या 300 से नीचे पहुँच गयी है। पिछले 24 घंटों की अवधि में संक्रमण से 251 और मरीजों की मौत हुई और 22,273 नए मामले सामने आए। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कृषि कानूनों को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिया है। इससे पहले भाजपा की सहयोगी रही अकाली दल ने भी कृषि कानूनों को लेकर एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने केंद्र सरकार से 29 दिसंबर को बैठक करने का फैसला किया है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार को सुबह 11 बजे बातचीत करने की बात कही है। साथ ही चिट्ठी में किसानों की मांगों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए शनिवार को पंजाब से किसानों के कई जत्थे राशन और अन्य आवश्यक सामान अपने साथ लेकर दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़े। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाधान निकालना किसान के हाथ में नहीं है, समाधान सरकार निकालेगी। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को लेकर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1 से 5 साल तक की कारावास और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग और SC/ST के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक की जेल के अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना दोषियों को देना होगा। बिहार में शनिवार को 103 नई नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद बनाए गए। बिहार मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के गठन को मंजूरी दी गई। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। एहतियातन जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन से पहुंचे 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन 8 लोगों के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है। निर्माता और निर्देशक करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल जब से रिलीज हुई है तब से वह विवादों में है। इस फिल्म को लेकर इंडियन एयरफोर्स पहले ही आपत्ति जता चुका था। अब इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन ने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ एक केस फाइल किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।